आई एम सपना रैकवास, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SIRT कॉलेज भोपाल. नाउ आई एम डिस्कसिंग इन CGM DDA एल्गोरिथम. इन फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट स्कैन कन्वर्जन टेक्निक. नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग DDA एल्गोरिथम. DDA इज अ डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम. In DDA algorithm, we are used to scan line. Basically, it is a line drawing algorithm. In this algorithm, we can draw a line. DDA algorithm 2D plane में consider करते हैं x axis and y axis. DDA algorithm में हमें first and last initial point given रहेंगे x1, y1. X2, Y2. Intermediate points हमें find out करने होते हैं with the help of this algorithm. Now we can start this algorithm. Firstly find out the slope. M equal to del my del x. M is the slope. Delta my delta x find out with the use of two coordinates which are given in a question. y2 minus y1, x2 minus x1, these coordinates are given in a equation in question. Then we are find out delta m. Delta m equal to m dot delta x m. M की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे. M की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर लेंगे हमारी इस वाली इक्वेशन में. y2 minus y1, x2 minus x1. Delta x as it is हमारा यहां आ जाएगा. Then हम find out करेंगे delta x की वैल्यू. Delta x equal to delta y by delta m. ये वाली वैल्यू हम इसी इक्वेशन से फाइंड कर रहे हैं. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एम करेंगे तो हमें डेल्टा एम डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. फिर यहाँ पर हम डेल्टा एम की वैल्यू पुट करेंगे. डेल्टा वाई एज इट इज आ जाएगा. डेल्टा एम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो y2 minus x2 minus x1 y2 minus y1. इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा डेल्टा एम मल्टीप्लाई x2 minus x1 y2 minus y1, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी. ये सेकेंड, ये थर्ड.